एक भूटान में राज्य, भूटान में एक ही ऐसा किंगडम है जहाँ राजा की परंपरा पनप रही है। उसका नाम है ब्रूटान। ब्रू माने भ्रकुटी और तान माने तंजय, अर्थात जैसे रामायण में चौपाई आई है, ब्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने हूँ संकट पर ही किसोई, जिसकी ब्रकुटी के तानने मात्र से संसार में प्रलय हो सकती है। इतनी ऊंच में शक्ति है, सर्वशक्तिवान होकर के संसार में आता है। तो वहां अराजकता कैसे हो सकती? आज सारी दुनिया में प्रजातंत्र राज्य हो गया है। एक नेपाल था जहां अभी तक राजा का राज्य चलता था, वहां भी प्रजातंत्र हो गया। पहले सारा भारत एक था, बाद में खंड खंड में बट गया। नेपाल अलग हो गया, भूटान अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, लंका अलग हो गया, अफगानिस्तान तक ये भारत देश फैला हुआ था। इस भारत देश में विविधता है, अनेक प्रकार के धर्म हैं, अनेक प्रकार से राज्य का संचालन होता है, अनेक प्रकार की जातियां हैं, अनेक प्रकार के कुल हैं, अनेक प्रकार की भाषाएं हैं। तो ये भी एक वंडर है कि यहाँ का एक अंग ऐसा भी है जहां अंत तक अभी भी राजा का राज्य चल रहा है। और राजा ने स्वेच्छा से प्रजातंत्र राज्य को स्वीकार कर लिया है, परंतु राज्य राजा का ही है। प्रजा ने कोई अलग से राष्ट्रपति नहीं बनाया है। ऐसी धर्म प्राण जनता है वहां की कि एक को ही राजा मानती आई है। जहां एक राजा होता है, एक धर्म होता है, एक कुल होता है, एक भाषा होती है, वहां सुख शांति ज्यादा रहती है। वहां की हिस्ट्री देखी जाए तो आज से लेकर के अब तक भी वहां जितनी शांति है उतना और कहीं भी नहीं। ये ड्रामा बना हुआ है, नहीं तो छोटे से देश पर चीन भी आक्रमण करके उसे अपने हत्थे में ले सकता था। लेकिन ड्रामा प्लान अनुसार ऐसा नहीं हुआ। ये भी अटकलें हैं। वहां भी अंत में अराजकता फैल जाएगी। तो ये सिर्फ अनुमान है,
दुनिया में आती तो होती है अराजकता की, जैसे देवी देवता सनातन धर्म अंत नहीं होता, पूरा लोप नहीं होता, कुछ न कुछ ऐसे परिवार रहते हैं जहां देवी देवता सनातन धर्म की परंपराएं निभाई जाती हैं। ऐसे ही इस इतनी बड़ी दुनिया के अंदर एक देश ऐसा भी है जहां सनातन धर्म की परंपराएं अंत तक निभाई जाती हैं, लेकिन ना के बराबर। इतनी बड़ी दुनिया में भूटान ना के बराबर देश है। और गीता में बताया है, में आया है कि गीता में बताया है, भगवान कहते हैं यह एटम बम मेरी दाढ़े हैं, ऊपर की दाढ़े हैं जो आसमान में भी तैर रही है, और नीचे की दाढ़े जमीन में और समुद्र में तैर रही है। इन दोनों दाढ़ों के बीच में सारी दुनिया चबाई जाने वाली है। ठीक तो है कि मिसाइल से हैं जो ऊपर भी तैर रहे हैं, और ये एटम बम हैं जो जमीन के अंदर भी छुपाए हुए हैं, पनडुब्बियों में समंदर के अंदर भी तैर रहे हैं। तो ऊपर से भी दुनिया को दबोच रखा है इन दाढ़ों ने, और नीचे से भी दबोच रखा है। कब दुनिया खत्म होने वाली है कभी किसी को पता ही नहीं चलता, लेकिन सामान तैयार हो चुका है। और हाँ जी, हाँ है, क्या हुआ? प्रचार प्रसार है। हाँ, जो देवी देवता सनातन धर्म है उस धर्म के सबसे नजदीक प्योरिटी को पालन करने वाला धर्म कौन सा है? हैं? बौद्ध धर्म। ना ज्यादा सतो प्रधान, दुनिया के मुकाबले ज्यादा सतो प्रधान नहीं है। तो फिर और बोला गया कि किसी को भी अंत में अपने अपने मन मत पर ही ज्यादा चलेंगे, भगवान की मत पर कोई नहीं चलेगा। अगर अगर भगवान की मत पर ज्यादा चलने वाले हो जाएं तो स्वर्ग में भीड़ हो जाएगी या थोड़े रहेंगे? है तो भीड़ कैसे चलेगी वहां? नई दुनिया में तो ये नियम है कि नई दुनिया में थोड़े चाहिए और पुरानी दुनिया में ढेर के ढेर चाहिए। तो अनेकों की मत पर चलने वाले अंत में आवेंगे या आदि में आवेंगे? अंत में ही आवेंगे। और उदाहरण दो कोई किसी बात का, ऐसा कोई उदाहरण दो कि आदि में ऐसा था फिर अंत में ऐसा हो गया। जब हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, सारी हिस्ट्री रिपीट होती है, तो जहां से आदि करो वहां से आदि है। अगर द्वापर युग से आदि मानो तो फिर
पूरा चक्र रिपीट होकर के द्वापर में आवेगा, फिर आदि हो जाएगी कोई। कलयुग के अंत में आदि माने तो पूरा चक्कर रिपीट करने के बाद 5000 वर्ष के बाद फिर आदि हो जाएगा। और अच्छा, गर्मी ज्यादा लग रही है। चल